गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम 26 नवंबर के करंट अफेयर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एक्ट्रेस को FIAPF अवार्ड दिया जाएगा 12वें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में? राइट आंसर है नंदिता दास। ये अवार्ड नंदिता दास को दिया जाएगा। ये सेरेमनी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति मिस्टर रामनाथ कोविंद ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में गांधी जी के स्टेचू का उद्घाटन किया है। फिल्म्स की बात करें तो हाल ही में BBC ने 100 बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स की एक लिस्ट जारी की है, उसमें एक भारतीय मूवी भी है। ये पाथेर पांचाली है, इसके डायरेक्टर मिस्टर सत्यजीत रे थे। इसके अलावा विलेज रॉकस्टार्स है, वो भारत की तरफ से ऑस्कर्स में ऑफिशियल एंट्री है। विलेज रॉकस्टार्स के डायरेक्टर हैं मिस रीमा दास। इसके साथ साथ रोम फिल्म फेस्टिवल में भारत की तरफ से एंट्री हैं मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा मिस्टर रजनीकांत की काला फिल्म है, वो सऊदी अरेबिया में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है, जबकि गोल्ड है वो सऊदी अरेबिया में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म मेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? राइट आंसर है डैन वोलमैन, जो कि एक इजरायली फिल्म मेकर हैं, उनको 49वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। 49th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये गोवा की राजधानी पणजी में हुआ। इसराइल इसका फोकस कंट्री था और झारखंड इसका फोकस स्टेट था। झारखंड हाल ही में एक और इवेंट का भी फोकस स्टेट था। ये इवेंट थी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो नई दिल्ली में हुआ था। इसका थीम था रूरल एंटरप्राइजेज इन इंडिया। अफगानिस्तान इसका पार्टनर कंट्री है, जबकि नेपाल इसका फोकस कंट्री और झारखंड इसका पार्टनर स्टेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने प्राकृतिक आपदाओं के साथ बारिश और निपटारे के प्रभाव की निगरानी के लिए एक नई तकनीक प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण विकसित किया है? राइट आंसर है IMD, जिसको भारत मौसम विज्ञान विभाग भी कहा जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्राकृतिक आपदाओं के साथ बारिश और निपटारे के प्रभाव की निगरानी के लिए एक नई तकनीक प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण विकसित किया है, यानी कि इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग अप्रोच। IMD की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर एक संस्था है और प्रेजेंट के मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कमेंट बॉक्स में बताइए हाल ही में किन्हें अपोलो टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस म्यूजिक डायरेक्टर ने हाल ही में ओडिशा हॉकी विश्व कप के लिए एंथम तैयार किया है? राइट आंसर है AR रहमान। AR रहमान ने ओडिशा विश्व कप के लिए एंथम तैयार किया है। 2018 के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो ये भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में होगा। ओली इसका मैस्कोट है, जबकि टाटा स्टील इसका ऑफिशियल पार्टनर है। इसमें कुल 16 टीमें भाग लेंगी। इंडिया तीसरी बार मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को आयोजित करवा रहा है। AR रहमान की बात करें तो हाल ही में वो अपनी बायोग्राफी के लिए भी न्यूज में थे। उनकी बायोग्राफी का नाम है नोट्स ऑफ ए ड्रीम, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ AR रहमान। इसके ऑथर हैं मिस्टर कृष्णा त्रिलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन माउंटेन मेडिसिन किस शहर में होगी? राइट आंसर है काठमांडू। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में होगी। काठमांडू SAARC का भी मुख्यालय है। SAARC है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और SAARC के 8 मेंबर्स हैं। ये हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके अलावा हाल ही में BIMSTEC की 4th समिट भी काठमांडू में ही हुई थी। इसके बाद मेंबर्स ने काठमांडू डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया। BIMSTEC की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। इसके मेंबर्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इसकी पहली समिट 2004 में हुई थी, दूसरी समिट 2008 में इंडिया में,
तीसरी समिट म्यांमार में और चौथी समिट नेपाल में हुई थी। इसकी पांचवी समिट श्रीलंका में होनी है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है सूर्य किरण। इसके साथ साथ फर्स्ट सार्क एग्री कोऑपरेटिव बिजनेस फोरम है, वो भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही हुआ था। नेपाल की राष्ट्रपति हैं मिस विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मैरीकॉम ने महिला विश्व मुक्केबाजी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? राइट आंसर है 2002। 2002 में उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में मिस मैरीकॉम ने 2018 की महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना ऐतिहासिक छठा स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मैच में उन्होंने यूक्रेन की हैना अखोटा को हराया। 2018 की AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ये 10वां एडिशन था, ये नई दिल्ली में हुआ था और मिस मैरीकॉम इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। AIBA की बात करें तो ये है एक स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुजाने में स्थित है। हाल ही में मिस्टर गाफूर राखीमोव हैं, वो AIBA के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौशल रिपोर्ट 2019 के मुताबिक कौन सा राज्य रोजगार दर में सबसे ऊपर है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019 के हिसाब से आंध्र प्रदेश उच्चतम रोजगार के साथ टॉप पोजीशन पर है, जबकि राजस्थान और हरियाणा दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में विश्व का पहला थर्मल बैटरी प्लांट शुरू किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा निस्तम स्कीम चालू की है। इस स्कीम के तहत बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्ना कैंटीन्स भी चालू की हैं जिसके तहत लोगों को सस्ता खाना मुहैया करवाया जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के गांडीकोटा फोर्ट को डालमिया ग्रुप ने अडोप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत अडोप्ट कर लिया है। कमेंट बॉक्स में बताइए अडोप्ट हेरिटेज किस मिनिस्ट्री की एक पहल है। इसके अलावा भारत का 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने भू सेवा और भूधार की पहल भी की है जिसके तहत लैंड रिकॉर्ड्स को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। भूधार आधार कार्ड की तरह एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाएगा हर एक लैंड होल्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के 50th यूनियन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन लंग हेल्थ का आयोजक कौन सा देश है? राइट आंसर है इंडिया। भारत इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करवाएगा, ये हैदराबाद में आयोजित होगी। हैदराबाद की बात करें तो भारत का पहला डॉग पार्क है, वो भी हैदराबाद में ही स्थित है। इसके अलावा दिव्यांग लोगों का पहला नेशनल पार्क भी हैदराबाद में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप माइकल जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस खेल से संबंधित थे? राइट आंसर है हॉकी, वो हॉकी से संबंधित थे। इसके अलावा कुछ और पर्सनालिटीज़ का निधन हो गया है, ये हैं मिस्टर पॉल एलन जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। इसके अलावा मिस्टर जसदेव सिंह जो कि एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर थे, एनडी तिवारी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जो कि एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन जारी किया गया था? राइट आंसर है 1956। 1956 में ये रेगुलेशंस जारी की गई थी। हाल ही में अंडेमान और निकोबार न्यूज़ में था क्योंकि एक अमेरिकी जॉन एलन चो की उत्तरी सेंटिनल द्वीप में हत्या कर दी गई है। अंडेमान और निकोबार की ट्राइब्स की बात करें तो ये ट्राइब्स हैं ओन्स, सेंटिनलीज, जारवा, अंडेमानीज, सोमफेन और निकोबारीज। इसके अलावा अंडेमान और निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो अंडेमान में है नॉर्थ अंडेमान, मिडल अंडेमान, लोअर अंडेमान और लिटिल अंडेमान। 10 डिग्री चैनल है वो अंडेमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। अंडेमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और वो अंडेमान आइलैंड्स में स्थित हैं।
थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे.